नमस्कार सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। जब भी 4 से 5 दिन के अंदर आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये 4 से 5 दिन के लिए टाइमलेस रीडिंग है, तो उसके 72 आवर्स तक ये रीडिंग देखी जा सकती है। अगर आप 5 दिन के बाद इस रीडिंग को देखते हैं तो अगले 72 आवर्स तक आप पर मैच हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले फीलिंग्स देखेंगे एक दूसरे की, कि जो सैजी के पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं सैजी के लिए, और फिर देखेंगे कि सैजी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। वाओ वाओ वाओ। तो सेजिटेरियस, जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि सबसे पहले उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्यों इसमें ये बॉटम ऑफ द डेक और ये तो कॉर्ड कार्ड है, तो नए सिरे से वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें एक दोस्त की तरह एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई सोच के साथ। अगर वो इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं या चैटिंग करते हैं या फिर एक जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, चाहे ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी दिनों से पुराना है, चाहे सालों से पुराना है, लेकिन नए सिरे से इस सोच के साथ के वो अभी एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक अभी जान पहचान उनकी हुई है, तो इस सोच के साथ अगर एक दूसरे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं और यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो डिवाइन हाथ उनके ऊपर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, और ये रिश्ता जो है कमिटमेंट वगैरह दी जाती हैं तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बन सकती हैं या फिर से रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी ताकत है, इतना दम है, इतनी हिम्मत है कि समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो और ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल बने, समाज में मान सम्मान हो। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। सेजी अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुविधा में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको एक तरफ लग रहा है कि आपको इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, जब तक आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे अभी के लिए तो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस सोच को, उस चाहे वो अपने लोग हैं चाहे बाहर वाले लोग हैं जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपको एक दूसरे के साथ खुल कर बातें करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, टूर ट्रैवल करना चाहिए, या तो आप उनके पास जाएं या आपके पर्सन उनके पास आए,
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके एक इसमें कमिटमेंट वगैरह अगर दी जाती है कि आगे वो कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, इस दिक्कत ये इस रिश्ते में नहीं रहेगी, वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। तो अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी आप आगे कदम बढ़ाइए कि आपको इस रिश्ते से बाहर जाना है या फिर इस रिश्ते में वापस आना है। तो तभी, यानी कि आप कन्फ्यूज़ हैं अभी, तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं सेजिटेरियस कि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, आँखों से पट्टियाँ खोलिए। अगर आप आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में, जिस वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उस सोच को, उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को जो आपके लिए काम नहीं कर रही है, जो नेगेटिविटी दे रही है, उसको छोड़ते हुए अगर एक दूसरे के साथ आप जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, टूर ट्रैवल करके, या तो आप उनके पास जाएंगे या फिर वो आपके पास आएंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। तो आपको बार बार यही फील हो रहा कि आप, या फिर आप ये महसूस करें कि आपके पर्सन को ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़ हैं, तो उनके पर्सन को इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए और उनको इस रिश्ते में वापस आना चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में जो है सैजी आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, सेजिटेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, द फूल, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ केसेस में, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो जब तक वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर लेते, रेडी नहीं कर लेते, ये डिसाइड नहीं कर लेते कि वो अभी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एक रिश्ते में एक ठहराव लाएंगे, एक बिगनिंग लाएंगे, तो और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, लस्ट है, प्रॉब्लम है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, उन लस्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, कोई एक दूसरे के प्रति परेशानी नहीं लाएगा और एक रिस्क लेंगे, एक उठाए, एक ये अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो सेजिटेरियस, मुझे नहीं लगता कि जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में कोई एक्शन लेने वाले हैं, वो चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रिपेयर हों, रेडी और तैयार हों, और इस रिश्ते में जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलें और वो फिर उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए उन पर कंट्रोल ना करें, इस रिश्ते को टॉक्सिक ना बनाएं और तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते में आगे बढ़े। ऑनेस्टी, ईमानदार और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के इस रिश्ते में आगे बढ़े, हिम्मत के साथ, करेज के साथ अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और ये उनको ये एहसास दिलाएंगे अपने पार्टनर को वो, कि फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी वो इसमें रिस्क लेंगे और इस रिश्ते में एक्शन लिया जा सकता है। तो लेकिन अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि जो भी एक्शन लें वो उनके पार्टनर ले और इसमें ईमानदारी के साथ इसमें रिस्क लें, आगे बढ़ें। अपनी तरफ से वो नहीं सोच रहे हैं कि कोई भी एक्शन लिया जाए। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या अभी वेट इंतज़ार करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए।
तो यूनिवर्स ही अभी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई या तो आपके पर्सन या दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जब तक चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, इसमें क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं आ जाता और समय के साथ, फ्लो के साथ आप नहीं जाते, कोई आप चीज़ों को, बातों को, जगह को, सिचुएशन को अपने से चिपका कर रखते हैं, उन चीज़ों को नहीं रिलीज करते, तब तक आप नहीं बढ़ सकते। और अपनी वाणी पर, सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ एक दूसरे के साथ अगर आप पेश आते हैं, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करेंगे, और इस कन्फ्यूज़न से जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, और कोई बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, किसी बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी राज के, यानी कि एक दूसरे के साथ जो भी धोखाधड़ी हुई है उसको खोल देंगे, साफ स्पष्ट कर लेंगे, तो तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो अभी कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप मत लीजिएगा, अभी अपनी फैमिली और परिवार के साथ खुश रहिए, तभी आप इस रिश्ते के, आपका रिश्ता तभी खुश होगा, तभी आप इस रिश्ते में जा सकेंगे जब कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद होगा, जो भी राज मिस्ट्री है, जो भी रहस्य है, एक दूसरे को क्लियरली बताएंगे। तो अभी कंफ्यूजन है, अभी परेशानी है, अभी एक दूसरे आप रिलीज़ नहीं हो पाए हैं, उन चीज़ों को नहीं छोड़ पाए हैं जो इस रिश्ते में बाधाएँ दे रही हैं। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अभी कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, अभी अपने परिवार और फैमिली के साथ खुश रहिए, वेकेशंस पर जाइए ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट हो जाए। अगर आप हिल स्टेशन पर जाएंगे या परिवार फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होंगी, और फिर अपने मन को समझाते हुए सोच विचार के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी के लिए ये समय आपके लिए उचित नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।